हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैकेनिकल कॉन्सेप्ट्स। इस वीडियो में मैं आपको जो सॉम है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके चैप्टर नंबर आप 4 देख सकते हो, बेंडिंग स्ट्रेस। उसमें एक टॉपिक है शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ठीक है। यह भी 3 से 4 मार्क में ये हर साल पूछते हैं, ठीक है। यानी अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके 3 से 4 मार्क्स फिक्स हो जाएंगे एग्ज़ाम के लिए। बहुत आसान है, इसीलिए सबसे पहले लिया है। तो ये सारे जो आप देख सकते हो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, ये हम ड्रॉ करेंगे सारे सेक्शन का, ठीक है। रेक्टेंगुलर का भी करेंगे, सर्कुलर का भी करेंगे, आई सेक्शन, टी सेक्शन, चैनल सेक्शन, ठीक है। और भी कुछ अगर वेराइटी है तो वो भी कवर करेंगे। बस इतनी वेराइटी है, ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में पूछते हैं। होलो सर्कुलर भी है, ठीक है। और अगर होलो रेक्टेंगल होगा तो वो भी करवा देंगे, तो होलो रेक्टेंगल पूछा नहीं है, ठीक है, वो भी कवर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस वाले वीडियो में क्या सीखने वाले हैं, तो 3 से 4 मार्क्स के लिए, 3 से 4 मार्क्स का ये वीडियो है। और हम सीखने वाले हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। वीडियो को एंड से देखना है, स्किप नहीं करना है, तभी आप इसकी फुल डिटेल समझ पाओगे, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। सबसे पहले हम अगर मान ले रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं हम, है ना, एक रेक्टेंगल बना लेते हैं अच्छे से, ठीक है। तो ये हमने रेक्टेंगल बना लिया है यहाँ। तो रेक्टेंगल की बात करें तो ये जो उसको विड्थ बोलते हैं, ओके, ये विड्थ हो गई और ये उसकी हो गई लेंथ बोल सकते हो, डेप्थ बोल सकते हो, हाइट बोल सकते हैं, हम यहाँ पे डी बोल रहे हैं, ओके। और जो रेक्टेंगल होता है उसका न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में होता है, ओके। तो ये हमने क्या बना लिया, न्यूट्रल एक्सिस। अभी न्यूट्रल एक्सिस आपको साइड पे भी ले जानी है, या अब इस तरह से न्यूट्रल एक्सिस बना लीजिए और यहाँ पे एक हम रेफरेंस लाइन बनाएंगे, ठीक है। रेक्टेंगल का देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं, ये रेफरेंस लाइन बना लीजिए। अब जो दोनों एंड वाले पॉइंट्स है ना, दोनों एंड वाले पॉइंट्स, जैसे कि एक है ये वाला पॉइंट, यहाँ शियर स्ट्रेस जो टाउ रहता है वो 0 रहता है और यहाँ पे भी टाउ इज इक्वल टू 0 रहता है, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखना कि सिमेट्रिक है तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर की तरफ और न्यूट्रल एक्सिस के नीचे की तरफ सेम डायग्राम बनेगा। अभी आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे एक विड्थ है, एक फिक्स विड्थ है, यहाँ पे हमारा शियर स्ट्रेस क्या है, 0। जैसे जैसे हम यहाँ पे नीचे चलते जाएंगे, यहाँ जैसे जैसे नीचे चलते जाएंगे तो देखिए एरिया बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये एरिया बढ़ रहा है, फिर उसी तरह अगर आप और इसके नीचे और लाइन लोगे तो यहाँ और एरिया बढ़ेगा, ठीक है। यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया बढ़ रहा है ना। तो एरिया जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, यहाँ पे शियर स्ट्रेस बढ़ता जाएगा। यहाँ पे देखिए शियर स्ट्रेस धीरे 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 बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, न्यूट्रल एक्सिस तक। यहाँ पे हमारा जो शियर स्ट्रेस है, मैं अलग पेन से बना देता हूँ, ये बन जाएगा मैक्सिमम, ठीक है। और उसी तरह अगर आप सेम चीज़ नीचे से कैलकुलेट करते हो तो नीचे से भी देखिए, आप जब नीचे से क्या होता है, नीचे का एरिया बढ़ता रहा है, देखो इतना है तो ये नीचे वाला एरिया, फिर और अब ऊपर जाओगे तो एरिया बढ़ता जाएगा, और ऊपर जाओगे तो एरिया बढ़ता जाएगा, कहाँ तक, ऐसा मैक्सिमम से न्यूट्रल एक्सिस तक एरिया बढ़ेगा, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, शियर स्ट्रेस धीरे 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 बढ़ता जा रहा है, कर्व में बनाना है, ठीक है, ऐसे अच्छे से कर्व में बनाना। तो ये बन गया हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, किसके लिए, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए, है ना। यहाँ पे आप ऐसे एरो देखिए, धीरे जैसे जैसे बढ़ रहा है वहाँ पे हम एरो बता रहे हैं, ये सेंटर में मैक्सिमम, फिर वापस कम होता जाएगा, या तो आप नीचे से गिन सकते हो, है ना। तो चलो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन का बन गया, तो इसके आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे अगर आप इस तरह से बनाते हो। इसके बाद हम बनाते हैं होलो रेक्टेंगल, ठीक है, होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन। अब होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन कैसा होता है, तो बीच में आपको होल दिखेगा, आप अच्छे से बना लेना, ठीक है। कंप्यूटर में इतना अच्छे से शायद ना बन पाए मेरे से, तो भी मैं कोशिश करूँगा, ओके। सो दिस इज इट, दिस इज होलो रेक्टेंगल। अब इसके डायमेंशंस की बात करें तो अगर आप देखिए ऊपर जैसा है तो बाहर के डायमेंशन को कैपिटल बी बोलूँगा, अंदर के स्मॉल बी, उसी तरह बाहर के यहाँ पे कैपिटल डी और अंदर के स्मॉल डी। इसी तरह ये भी सिमेट्रिकल है,
तो इसकी भी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगी, सेंटर में ही आएगी। ओके, तो न्यूट्रल एक्सिस आप बनाते जाओ बनाते जाओ बनाते जाओ, ठीक है। ये न्यूट्रल एक्सिस है, यहाँ पे लिख देना है न्यूट्रल एक्सिस। यहाँ पे भी एक रेफरेंस लाइन अपने को बनानी पड़ेगी, है ना। तो ये रेफरेंस लाइन बना ली। अब देखिए यहाँ से जैसे जैसे नीचे जाएंगे, देखिए आपको विड्थ विड्थ भी देखना है। ये तो यहाँ पे क्या था, विड्थ विड्थ सेम, इसलिए मैं एरिया देख रहा था। अब यहाँ पे आपको ये विड्थ गिननी है। तो देखो जैसे जैसे विड्थ कहाँ तक कांस्टेंट रहेगी, विड्थ देखिए यहाँ विड्थ कितनी है, इतनी है। जैसे जैसे नीचे जाओगे देखिए विड्थ कॉमन है, कांस्टेंट है ना। कहाँ तक कांस्टेंट है, तो ये वाले पॉइंट तक, यहाँ तक विड्थ कांस्टेंट है। और अचानक से क्या हो रहा है, यहाँ पे सडन आप देखोगे कि यहाँ पे मटीरियल ही खत्म हो गया। मटेरियल सेंटर में है ही नहीं, आजू बाजू ही खाली मटेरियल। तो इसका यहाँ पे शियर स्ट्रेस पे क्या असर होगा, यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे एक आप ऐसे रेफरेंस लाइन बना लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा पतला सा लाइन एक रेफरेंस के लिए, ठीक है। ये आपको इस तरह से चार, एक सेंटर में तो है ही हमारे पास, एक ये और एक ये, इस तरह से आप चार ऐसा लाइन खींच लेना हल्के हाथों से। ओके, इतना आप जोर से इसको नहीं बनाना है। तो चलो जैसे ये पॉइंट पे, ये पॉइंट से हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे यहाँ तक शियर स्ट्रेस बढ़ेगी। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अचानक से शियर स्ट्रेस में सडन इंक्रीमेंट आएगा समथिंग कुछ पॉइंट तक। तो यहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगी, फिर वापस आप देखोगे यहाँ से अब जो विड्थ है ना वो कॉन्स्टेंट है, दोनों तरफ वाली विड्थ कॉन्स्टेंट है। कहाँ तक कॉन्स्टेंट है, तो न्यूट्रल एक्सिस तक। यानी वापस यहाँ पे धीरे 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 स्ट्रेस बढ़ेगी 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 और यहाँ पे वो टाउ मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है। ये टाउ मैक्सिमम आएगा, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हुआ था, टाउ जीरो से स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे भी आप देखिए ये पॉइंट आपको बताने हैं, बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बीच बीच में ये जो पॉइंट बना रहा हूँ ना मैं, टाउ इक्वल टू जीरो, फिर धीरे 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 बढ़ा समथिंग कुछ टाउ पे पहुँचा, सीमेट्रिक है, यानी ऊपर का टाउ और नीचे का टाउ मैच कर जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे वापस सडनली बढ़ेगा समथिंग कुछ यहाँ तक, ऐसा मान लेते हैं। और फिर वापस क्या हो जाएगा, बढ़ना स्टार्ट होगा, सडनली नहीं अब ग्रेजुअली बढ़ेगा, अब मैक्सिमम आ जाएगा। ये नीचे से हमने बनाया, ठीक है। तो ये होलो रेक्टेंगुलर सेक्शन का इस तरह से बनता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम सर्कुलर सेक्शन बनाते हैं। तो थर्ड इज सर्कुलर सेक्शन। चलो सर्क्यूलर सेक्शन ईजी है कि नहीं, बहुत ईजी है, 3 से 4 मार्क्स बिंदास आप इसके अंदर ला सकते हो, ठीक है। तो एक सर्कुलर सेक्शन हम बना लेते हैं यहाँ पे। तो एक सर्कल होता है जिसका आपको भी पता है डायामीटर जो होता है वो डी रहता है, ओके। एक डी डायामीटर का सर्कुलर सेक्शन, और उसकी न्यूट्रल एक्सिस तो सेंटर में रहेगी, ये भी आपको पता ही होगा, ओके। तो न्यूट्रल एक्सिस को एक्सटेंड करिए, ठीक है, थोड़ा आप स्केल से बनाना अच्छे से। फिर रेफरेंस लाइन बनाना, यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं जहाँ पे हम मान लेते हैं कि दोनों तरफ शियर स्ट्रेस कितनी होगी, जीरो जीरो होगी, यानी टाउ जीरो और यहाँ पे भी टाउ जीरो। फिर जैसे जैसे देखिए वापस यहाँ पे भी एरिया भी बढ़ रहा है, ओके, और विड्थ भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे ये समथिंग एक मैक्सिमम तक बढ़ेगी, और नीचे से भी ये धीरे धीरे बढ़ेगी बढ़ेगी और यहाँ मैक्सिमम तक पहुँच जाएगी। तो यहाँ पे क्या आएगा, ये टाउ मैक्स, ओके, अच्छे से लिखना है अपने को, सॉरी टाउ मैक्सिमम, ओके, ये वाला पॉइंट। और यहाँ पे आप एरो बना लेना, चाहे 2 या 3 एरो बना लेना अपने, जो भी आप बना सकते हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। चलो यहाँ पे देखिए ये इस तरह से एरो बना दिया। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक रेफरेंस लाइन है, वहाँ से हम काउंट करें कि जैसे जैसे हर एक सेक्शन में किस तरह से शियर स्ट्रेस का वेरिएशन आ रहा है, हम यहाँ पे वो देख रहे हैं, समझ रहे हो। चलो नंबर फोर में क्या आ जाएगा, होलो सर्कुलर सेक्शन आएगा, ठीक है, होलो सर्कुलर सेक्शन। तो होलो सर्कुलर सेक्शन के लिए क्या बनाना पड़ेगा, एक सर्कल बनाना पड़ेगा, उसके अंदर आपको एक दूसरा सर्कल बनाना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ कि सेंटर में आ जाए। चलो ठीक है, अभी मान लेना ये सेंटर में, ऐसा न्यूट्रल एक्सिस बना लेते हैं, ओके, और इसके डायामीटर जो है दो दो डायामीटर रहेंगे, एक स्मॉल डी रहेगा और एक रहेगा कैपिटल डी, इस तरह से बना लेते हैं, ठीक है। और न्यूट्रल एक्सिस को आपको तो एक्सटेंड करते जाना है, ठीक है। दिस इज़ न्यूट्रल एक्सिस। अच्छा, यहाँ लिखना अगर मेरे से रह जाए, क्योंकि इतने सारे बता रहा हूँ मैं, तो शायद जल्दबाजी में रह जाए, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, मैं बोल ही रहा हूँ कि वो इम्पॉर्टेंट होता है, यानी वो सही में इम्पॉर्टेंट है, न्यूट्रल एक्सिस वहाँ लिखना पड़ता है, ओके।
चलो इस केस में क्या आएगा, ये जो लाइन है ना, रेफरेंस लाइन एक बना लेते हैं यहाँ से, तो आपको पता चलेगा, या दूसरे कलर की बना लेते हैं। चलो तो आपको लगे कि चलो ठीक है, एक हम वाइट पेन ले लेते हैं, तो ये पहली हमारी रेफरेंस लाइन रहेगी, ओके। फिर ये दूसरी रेफरेंस लाइन रहेगी हमारी, इसी तरह यहाँ पे ये तीसरी रेफरेंस लाइन और ये लास्ट रेफरेंस लाइन, ठीक है। ये थोड़ा डायमेंशन आप एडजस्ट कर लेना, है ना। अब यहाँ देखिए शियर स्ट्रेस बढ़ेगी 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 समथिंग एक पॉइंट तक, फिर यहाँ पे भी ऐसे सडनली नहीं बढ़ेगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ एरिया और विड्थ है, सडनली नहीं बढ़ रहा है, यहाँ धीरे 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 जो विड्थ है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, समझ रहे हो, तो ग्रेजुअली ही हो रहा है। बट हाँ, ऊपर वाले के कंपेयर में थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा तेजी से शियर स्ट्रेस बढ़ेगी, यानी समथिंग कुछ ऐसे, बराबर। उसी तरह नीचे से भी आप देखोगे धीरे 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 बढ़ेगा समथिंग ये पॉइंट तक, फिर वापस सडनली, सडनली नहीं बोल सकता, थोड़ा ज़्यादा ग्रेजुअली, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा ग्रेजुअली बढ़ेगा बढ़ेगा, सिमेट्रिक आएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, है ना। अच्छे से आप नोट में बनाओगे तो आपका बहुत मस्त बनेगा ये टाउ मैक्स, और यहाँ जो एंडिंग पॉइंट है यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू जीरो लिख देना, यहाँ पे भी टाउ इज इक्वल टू जीरो लिख देना, ठीक है। देखो आसान है ना, बस फिर अंदर एरो आपको बनाना है तो एरो बना लीजिए, ठीक है, ये एरो बना दिया, तो ये बन गया है होलो सर्कुलर सेक्शन। और कौन से सेक्शन एग्जाम में पूछे हैं, देखो एक तो टी सेक्शन है, आई सेक्शन है, चैनल सेक्शन है। चलो तो सबसे पहले मैं आई सेक्शन बना लेता हूँ, कि आई सेक्शन अगर होता है तो आपको आई सेक्शन का कैसे बनाना है, ठीक है। आई सेक्शन देख लीजिए, तो आई सेक्शन के लिए आपको भी पता है कैसे बनाना है आई सेक्शन, ओके। थोड़ा बड़ा नहीं, छोटा बनाता हूँ, ये बना लेता हूँ आई सेक्शन, चलो। तो आई सेक्शन है, सिमेट्रिक है, तो न्यूट्रल एक्सिस सेंटर में ही आएगी, बराबर ना। न्यूट्रल एक्सिस का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। यहाँ रेफरेंस लाइन बना लेते हैं, एक रेफरेंस लाइन बना लेते हैं समथिंग इतना तक। फिर देखिए अभी विड्थ कॉमन, विड्थ कांस्टेंट है, कांस्टेंट कहाँ तक, यहाँ तक ना, विड्थ कांस्टेंट कहाँ तक है, यहाँ तक कांस्टेंट है विड्थ, यहाँ तक कांस्टेंट है। अब चार लाइन ऐसे रेफरेंस के लिए खींच सकते हो, जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम कैसे रेफरेंस लाइन खींचते थे, उसी तरह यहाँ पे हल्के हाथों से जो रेफरेंस लाइन खींचनी है। चलो शियर स्ट्रेस बढ़ेगी 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 समथिंग यहाँ तक, और यहाँ अचानक से एरिया कम हो रहा है, यानी यहाँ से सडन यहाँ पे बढ़ेगा समथिंग कोई पॉइंट तक, फिर वापस ग्रेजुअली बढ़ेगा 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 यहाँ पे मैक्सिमम तक। उसी तरह नीचे से भी बन जाएगा यहाँ तक, फिर सडन, फिर ग्रेजुअल, और फाइनली जो न्यूट्रल एक्सिस पे आपको मिलेगा टाउ मैक्सिमम, और एंडिंग पे आपको मिलेगा टाउ इज इक्वल टू जीरो, टाउ इज इक्वल टू जीरो। देखा कितना आसान है। अब चलो अब नेक्स्ट हम टी सेक्शन बना लेते हैं, ठीक है, टी सेक्शन बना लेते हैं। अभी टी सेक्शन कैसा होता है, टी सेक्शन सिमेट्रिक नहीं होता है ना, टी सेक्शन सिमेट्रिक नहीं होता, ये ध्यान रखना आप। तो अगर टी सेक्शन बनाते हो तो उसकी न्यूट्रल एक्सिस कहाँ पे आएगी, सेंटर में नहीं आएगी, थोड़ी जहाँ पे वेट जिस तरफ ज़्यादा है ना उस तरफ, अगर उल्टा टी बनाते तो थोड़ा नीचे की तरफ बनाता, बट यहाँ पे थोड़ा ऊपर की तरफ उसकी न्यूट्रल एक्सिस आएगी, समझ रहे हो, ये ध्यान रखोगे ना। अगर आप वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आनी स्टार्ट हो जाएगी। चलो सबसे पहले क्या करना है, रेफरेंस लाइन बनानी है। अभी बहुत ही ध्यान से देखिए, चीज़ों को आप लाइटली मत लेना, जो इजी होता है उस पर ज़्यादा फोकस करना है हमें। चलो यहाँ तक देखिए, इतनी हाइट तक हमारी, इतनी देखो यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ तक विड्थ जो है वो कांस्टेंट रह रही है, ठीक है। तो देखिए कांस्टेंट रह रही है तो ग्रेजुअली बढ़ाएंगे 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 समथिंग यहाँ तक, फिर यहाँ पे देखिए अचानक से कम हो रहा है ना, कम हो रहा है यानी एकदम सीधा सडनली बढ़ेगा, थोड़ा आप इसी लाइन पे बनाने की कोशिश करना, ये शियर स्ट्रेस अचानक से बढ़ गया, फिर वापस ग्रेजुअली एक कम ही है बट शियर स्ट्रेस तो बढ़ेगा ना, जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, जो एक्सट्रीम फाइबर से जितना दूर जा रहे हो उतनी शियर स्ट्रेस तो बढ़ती ही जाएगी, ठीक है। कोई कोई स्टूडेंट ये पूछेगा कि सर वीड तो कम हो गई तो शियर स्ट्रेस कम हो जानी चाहिए, अरे भाई वीड कम होगी तो शियर स्ट्रेस तो और बढ़ जाएगी कि नहीं, आप सोचो ध्यान से, ओके। तो और जितना आप दूर जाओगे उतनी भी शियर स्ट्रेस बढ़ेगी, विड्थ कम होगी तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगी, यहाँ पे वही तो हो रहा है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे विड्थ अचानक से कम हो गई तो ये सी एस एस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है इस पॉइंट पे, और फिर अभी भी आप दूर ही जा रहे हो यानी सी एस एस और बढ़ती जाएगी यहाँ तक, ठीक है। और नीचे से अगर बात करें तो नीचे क्या है, देखिए यहाँ पे विड्थ कांस्टेंट ही जा रही है कहाँ तक, न्यूट्रल एक्सिस तक, तो यहाँ पे ग्रेजुअली बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा समथिंग यहाँ तक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे टाउ जीरो था, यहाँ पे भी टाउ जीरो था, फिर यहाँ पे क्या हो गया, ये न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ हो गया मैक्सिमम, ठीक है। तो ये टी सेक्शन का बनाया हमने। चलो नेक्स्ट है हमारा सी सेक्शन। सी सेक्शन बोल सकते हैं या आप उसको चैनल सेक्शन बोल सकते हैं, ठीक है, चैनल सेक्शन। तो चैनल सेक्शन में कैसे आएगा, देखिए चैनल सेक्शन में हम एक सी बनाएंगे। अभी थोड़ा मैं फास्ट बना होगा, ठीक है, इतना धीरे नहीं बना होगा जितना मैं पहले वाले बनाए थे। अब थोड़ा यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस बना लेंगे, ओके। न्यूट्रल एक्सिस के बाद रेफरेंस लाइन आएगी हमारी, ये रेफरेंस लाइन बना ली। फिर देखिए सी एस एस बढ़ाना है, यहाँ तक बढ़ाना है, फिर अचानक से बढ़ जाएगी, फिर वापस धीरे धीरे बढ़ेगी, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ेगी, फिर सडनली बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा टाउ मैक्स, यहाँ पे आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू जीरो, यहाँ पे भी आ जाएगा टाउ इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। हो गया ना चैनल सेक्शन, देखो कितना फटाफट हो रहा है। अब हम एल सेक्शन बाकी है, शायद एक ही बाकी है एल सेक्शन। तो एल सेक्शन कैसे आएगा, एल सेक्शन या एंगल सेक्शन भी बोलेंगे, या इसको एंगल सेक्शन भी, एंगल सेक्शन पूछे ना तो एल ही बनाना है अपने को। तो एल सेक्शन के लिए आप बनाइए, ये बना लीजिए समथिंग ऐसा, ओके। और इसमें न्यूट्रल एक्सिस कहाँ, नीचे की तरफ आएगी, है ना, थोड़ा नीचे की तरफ, इतना भी नीचे मत कर लेना, सेंटर से दूर रखना है ना, सेंटर पे बना लिया यानी गलत मार देंगे, वो जो चेकर होते हैं वो गलत दे देंगे अगर आपने सेंटर पे न्यूट्रल एक्सिस बना ली तो। चलो नीचे से बनानी है, बनाना स्टार्ट करूँगा। देखिए सबसे पहले धीरे 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 सी एस एस बढ़ेगी, फिर अचानक से बढ़ेगी, फिर धीरे धीरे बढ़ेगी यहाँ तक। और यहाँ पे तो देखिए विड्थ कॉन्स्टेंट है यानी धीरे 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 बढ़ के यहाँ तक आएगी, ठीक है। तो ये भी हमारा बन गया, देखो टाउ इज इक्वल टू जीरो, टाउ इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे टाउ इज इक्वल टू, सॉरी टाउ मैक्सिमम लिखेंगे, टाउ मैक्सिमम, है ना। चलो और कुछ बाकी रहा तो बोलो। आठ हमने कवर किए, रेक्टेंगल हो गया, टी सेक्शन हो गया, आई सेक्शन हो गया, सर्कुलर सेक्शन करवा दिया, रेक्टेंगल टी सेक्शन, चैनल सेक्शन भी करवा दिया, होलो सर्कुलर भी करवा दिया, रेक्टेंगुलर सर्कुलर टी टी आई एंगल एंगल भी करवा दिया ना, तो ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। तो चलो फिर आपके यहाँ पे अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा, इसका मतलब आपने एग्जाम में 3 से 4 मार्क लेके आ गए सॉम में, ठीक है। ये फिक्स क्वेश्चन है, 100% फिक्स, 99 बोल देते हैं। फिर कभी कभी बच्चे इतना खराब नसीब लेके जाते, इतना खराब नसीब लेके जाते, फिर नहीं पूछते फिर। पर टेंशन लीजिए आप, आपका नसीब इतना खराब नहीं होगा, है ना। 99% यानी तो श्योरी हो गया ना, बट 1% नसीब की, ऐसा कभी कभी ऐसा हो जाता है, रेयरली रेयरली ऐसा हो जाता है कि शायद उनकी इच्छा ना हो पूछने की, ठीक है। बट आपके साथ ऐसा नहीं होगा, भरोसा रख के आएगा, ठीक है। चलो फिर, तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से इस वीडियो को शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत बहुत काम आएगा, अभी भी, एग्जाम के लिए भी और भविष्य के लिए भी, ठीक है। इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।